भारतीय प्रजातंत्र। श्रोताओं, अगर आप भारतीय प्रजातंत्र पर विस्तार से जानकारी चाहते हैं तो आपके लिए इस चैनल पर पॉडकास्ट श्रृंखला प्रारंभ कर रहे हैं। यह पॉडकास्ट श्रृंखला प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समाधान कारक साबित होगी, ऐसा मेरा मानना है। पॉडकास्ट में हम भारतीय प्रजातंत्र पर केंद्रित कंटेंट प्रस्तुत करेंगे। भाषा की सरलता एवं सहजता पर हम विशेष ध्यान रखेंगे। यह पॉडकास्ट श्रृंखला में उन बच्चों को समर्पित करता हूं जो बच्चे इंटरनेट पर केवल मनोरंजन के लिए खुद का समय खर्च करते हैं। मेरे हिसाब से बच्चों को अपने स्टडी मटेरियल पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करना चाहिए। मित्रों में गिरीश बिल्लोरे मुकुल अपना कंटेंट वॉइस ओवर आर्टिस्ट अथवा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वॉइस के जरिए रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। मूल रूप से मैं एक लेखक एवं वक्ता हूँ, परंतु विगत वर्ष फेफड़े संबंधी गंभीर बीमारी के चलते यह कार्य मेरे लिए अभी कठिन है। फिर भी प्रयास करूँगा कि आपके साथ इस विषय पर निरंतर संवाद करूँ। तो लिए आज का एपिसोड हम प्रारंभ करते हैं। भारत एक प्रजातांत्रिक राष्ट्र है, जिसे हम सब भारत संघ अर्थात यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। यूनियन ऑफ इंडिया का कार्य प्रबंधन तीन स्तंभों पर संवैधानिक रूप से उल्लेखित है: विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका। अब आप यह सोच रहे होंगे कि आपने सुन रखा है कि भारत संघ के प्रजातंत्र के लिए चार आधार स्तंभ हैं, और मैंने केवल तीन स्तंभों का यहां जिक्र किया है। आपका सवाल सही है। प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया है। अपने वक्तव्य में मैंने पहले उन तीन स्तंभों का जिक्र किया है जो संविधान में उल्लेखित हैं, क्योंकि प्रजातांत्रिक प्रक्रिया में मीडिया की भूमिका प्रमुख है, अत इसे चौथे स्तंभ के रूप में मान्यता दी गई है। भारत में 28 प्रदेश तथा 8 केंद्र शासित प्रदेशों तथा संसद में 543 सदस्यों को संसद सदस्य के रूप में प्रत्यक्ष मतदान प्रक्रिया के माध्यम से चुनकर आते हैं। प्रारंभिक तौर पर आपके लिए जिन प्रश्नों को प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा सकता है वह इस प्रकार है: एक, भारत के प्रजातंत्र में कितने स्तंभों का वर्णन किया है? इस प्रश्न का उत्तर है, भारत के संविधान में तीन स्तंभों का वर्णन किया गया है, विधायिका, न्यायपालिका तथा कार्यपालिका। प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ किसे कहा गया है? प्रजातंत्र का चौथे स्तंभ के रूप में संचार को मान्यता दी गई है, परंतु संविधान में लिखित रूप में इसे चौथा स्तंभ नहीं कहा गया। भारत संघ की संसद में कितने सदन हैं? इसके उत्तर में आपको याद रखना होगा, भारत संघ की संसद में दो सदन हैं, उच्च सदन जिसे राज्यसभा कहा जाता है, निम्न सदन जिसे लोकसभा कहा जाता है। अगला प्रश्न यह बनता है कि भारत संघ में कितने प्रदेश हैं? इस प्रश्न का उत्तर आपको केवल 28 प्रदेश लिखना है, क्योंकि विशेष 8 प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत संघ के संसद की लोकसभा में कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आते हैं? इस प्रश्न के उत्तर में आपको यह याद रखना है कि भारत संघ की संसद में 543 सीटें हैं। आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही।